तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग के हवाले से कुछ अहम इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग लग्जमबर्ग में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप लग्जमबर्ग का वर्क वीजा जॉब के साथ लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूएई की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपके पास हाई एजुकेशन नहीं, आपके पास हाई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके अलावा आपको कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं जानता है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि आपको लग्जमबर्ग का जॉब भी मिले और फ्री में वीज़ा भी मिले, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और उसके साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने लग्जमबर्ग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग लग्जमबर्ग के हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है और आप अप्लाई करना चाहते हो लग्जमबर्ग की जॉब के लिए, तो उसी हवाले से मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है लग्जमबर्ग की वीडियोस का, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ए टू जी बताया है कि आप किस तरह से लग्जमबर्ग की जॉब के लिए फाइंड करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप अनस्किल्ड हैं, आपके पास डिग्री नहीं है, आपका कोई और मसला है, आप किसी और कंट्री में हैं, जो भी आपका मसला है, बहुत सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके अपने मसले का हल फाइंड करें। वहाँ पे आप वीडियो को वॉच करें और बहुत सारी वीडियोस में मैंने ऑफिशियल लिंक्स, वेबसाइट की लिंक्स डाली है, जहाँ से आपको इजीली फ्री वर्क परमिट मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, और बहुत सारी वेबसाइट है मैंने जो बताई हुई है अपनी वीडियोस में, और बहुत सारी मैंने जो एजेंसीज है वो भी बताई हुई है अपनी वीडियोस में। तो अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब लेना चाहते हैं वीज़ा के साथ, तो आप उन वीडियोस को जाके वॉच करें, जहाँ से आपको वेबसाइट के लिंक भी मिलेंगे और उसके अलावा आपको एजेंसीज के लिंक भी मिलेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जिसके हवाले से मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई प्लेलिस्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा।